के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के साथ ही बड़ा ऐलान किया है, जिससे ट्विटर यूज करने वाले लोगों को गहरा धक्का लगा है। ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए अब यूजर्स को पैसे देने होंगे। एलन मस्क की घोषणा के मुताबिक ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत हर महीने $8 यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 660 रुपए चुकाने होंगे। बता दें कि एलन मस्क ने मंगलवार को ट्विटर ब्लू के एक नए संस्करण की घोषणा की, जिसमें उन्होंने ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करने, उल्लेख करने और सर्च करने में प्राथमिकता के साथ ट्विटर की सदस्यता सेवा के लिए हर महीने $8 का शुल्क लेने की योजना बनाई है। बता दें कि जैसे ही एलन मस्क ने पेड ब्लू टिक का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर इसका विरोध कर दिया। पेड ब्लू टिक को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। किसी ने कुछ गलत लिखा तो एलन मस्क ने यूजर्स के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा कि $8 के बारे में क्या ख्याल है। बता दें इससे पहले ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $99 करीब 1600 रुपए चार्ज करने की बात कही जा रही है, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अगर ऐसा होता है तो मैं प्लेटफॉर्म ही छोड़ दूंगा। लेखक के ट्वीट का जवाब देते हुए मस्क ने बताया कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए 1600 रुपए नहीं बल्कि $8 लेंगे। मस्क ने ट्वीट किया कि हमें किसी तरह बिलों का भुगतान करना होगा। ट्विटर पूरी तरह से विज्ञापन दाताओं के भरोसे नहीं रह सकता। $8 के बारे में क्या ख्याल है? ट्विटर का पेड ब्लू टिक सिर्फ ट्विटर ब्लू मेंबर्स के लिए होगा, जो कि एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस है। ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद यूजर्स को ट्वीट एडिट समेत कई तरह के एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। कहा जा रहा है कि जिनका अकाउंट पहले से ही वेरीफाई है, उन्हें 90 दिनों के अंदर ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। वहीं ट्विटर के विज्ञापन प्रमुख सारा पर्सनेट ने मंगलवार को बताया कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क द्वारा $44 बिलियन के ट्विटर अधिग्रहण सौदे को पूरा करने और माइक्रो बिलिंग प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण स्थापित करने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रेसनेट ने कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं साझा करना चाहता हूं कि मैंने शुक्रवार को ट्विटर से इस्तीफा दे दिया था और मंगलवार रात को मेरे काम करने के अधिकार और आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। आपका क्या ख्याल है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।